बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिलियंट ज़ोन्स इस सिलसिले में सबसे पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे हमने ये पढ़ा हुआ है विग्नर साइट सेल विग्नर साइट सेल क्या होता है विग्नर साइट सेल अराउंड लेटेस्ट पॉइंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस दैट आर क्लोजर टू दैट लैटिस पॉइंट अदर देन टू एनी ऑफ द अदर लैटिस पॉइंट्स यानी साइट सेल उस सारी स्पेस से मिल बनता है कि जो किसी लेटेस्ट पॉइंट के इर्द गिर्द होती है उन तमाम लेटेस्ट पॉइंट्स को मिला के जो स्पेस बनती है जो उसके नियरेस्ट होते हैं यानी एक लेटेस्ट पॉइंट को अगर आप फोकस कर लें तो उसके जो जितने नियरेस्ट लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उन सब के दरमियान जो स्पेस होती है उसको अगर आप इंसर्कल कर लें उसको आप कोई एक बाउंड्री दे दें तो वो जितनी वो बाउंड्री जो है वो जितना एरिया या जितना वॉल्यूम घेरेगी उसको उस सेल को विग्नर साइट सेल कहते हैं इट कैन बी शोन मैथमेटिकली डेट अ विग्नर साइज सेल इज़ अ प्रिमिटिव सेल ये एक प्रिमिटिव सेल होता है प्रिमिटिव प्रिमिटिव सेल के आ, मतलब आप बहुत अच्छी तरह से अब जान जानते हैं द विघ्नर साइट सेल इज द रेसिप्रोकल स्पेस इज नोन एज फर्स्ट ब्रिलियन जोन विघ्नर साइट सेल को अगर ऐसा ही सेल हम रेसिप्रोकल स्पेस में बनाएं तो सबसे पहले बनने वाला विघ्नर साइट सेल जो है वो ब्रिलियन जोन कहलाता है इट इज़ मेड बाय ड्राइंग प्लेन्स नॉर्मल टू द सेगमेंट्स ज्वाइनिंग नियरेस्ट लेटेस्ट पॉइंट टू पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ सच सेगमेंट्स इसको हम फर्दर अगली स्लाइड पे हम इसको क्लियर करते हैं ब्रिलियन जोन हमने ड्रॉ करना है लेकिन ब्रिलियन जोन बनाने का तरीका और विग्नर साइट सेल बनाने का तरीका एक ही है बात सिर्फ यह है कि विगनर साइट सेल जो है वो बनता है रियल स्पेस के लेट्स में और जबकि जो रेसिप्रोकल स्पेस के लेट्स पॉइंट्स के साथ अगर आप इसी तरह विगनर साइट सेल बनाएं तो वो एक ब्रिलियन जोन कहलाएगा द ब्रिलियन जोनस आर कंस्ट्रक्टेड फ्राम द प्लेन्स विच आर द परपेंडिकुलर और बाई सेक्टर ऑफ ऑल रेसिप्रोकल लेटेस्ट वैक्टर्स अगर हम एक लेट्स पॉइंट लें और उससे हम बहुत सारे रेसिप्रोकल वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करें ठीक है बहुत सारे रेसिप्रोकल वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करें तो और उन रेसिप्रोकल वेक्टर्स को सेंटर से बाइसेक्ट करने वाले प्लेन्स के साथ मिल के जो अंदर सेंटर में जो जगह बनेगी उसको आप ब्रिलियन जोन कहेंगे द फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज़ द स्मॉलेस्ट वॉलीम अबाउट द ओरिजन इनक्लोज बाय दीज प्लेन्स द second जोन इज द volume बिटवीन द फर्स्ट जोन एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेन्स ठीक है इस तरह से हम फर्दर बनाते जाते हैं तो सबसे पहले ये विग्नर साइज सेल हम एक बना रहे हैं ये देखें यहाँ पे सेंटर में आपने एक लेटेस्ट पॉइंट ये बहुत सारे लेटेस्ट पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे एक लेटेस्ट पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसका जो नियरेस्ट लेटेस्ट पॉइंट था उस तक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली उसको मिला लिया ये देखें ये ऐसे करके ऐसे अगर ये एक रेसिप्रोकल स्पेस है तो फिर और ये आपका ओरिजन है तो फिर डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा वो एक रेसिप्रोकल वेक्टर होगा वो जी होगा ठीक तो इसी तरह इससे इस नियरेस्ट इस पॉइंट तक आपने ड्रा किया फिर यहाँ पे ड्रा किया फिर यहाँ पे ड्रा किया इस तरह जितने नियरेस्ट नेबर हैं आपने वहाँ पे लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर ली और ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स आपने ड्रा कर लिए अब ये पहला जो वेक्टर बनाया इसका जो मिड पॉइंट है वो देखें कहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है मिड पॉइंट से आप एक लाइन लाइन के अगर प्लेन ड्रॉ करेंगे ऐसे जो इसको सेंटर से बाइसेक्ट करेगा ये इस फिगर में आप देख सकते हैं ये लाइन ये लाइन इसको जो है वो सेंटर से कंस्ट्रक्ट वो बाइसेकट कर रही है और इसको ये कर रही है ऐसे इसको इस वाली लाइन को ये कर रही है इसी तरह ये वाली जो लाइन थी इसको ये बाइसेक्ट कर रही है और यहाँ पे इस वाली लाइन को ये लाइन या ये प्लेन जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है अब आप यहां पे देखें इस फिगर में ये रेड लाइनों से मिल मिल के आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक सेल बन गया ठीक ये सेल जो है अगर ये रियल स्पेस में बनेगा तो विग्नर सेज सेल है लेकिन अगर ये रेसिप्रोकल स्पेस में बनेगा तो फिर ये क्या है ये है ब्रिलियन जोन अच्छा यहाँ पे रेसिप्रोकल स्पेस लेके ब्रिलियन जोन बनाए गए हैं ये आ, हमने एक स्केयर लेटिस लिया और स्केयर लेटिस का रेसिप्रोकल लेटिस ले लिया यानी डायरेक्ट स्पेस में एक स्केयर लेटिस है टू डायमेंशनल स्केयर लेटिस तो जाहरी बात हमने पढ़ा था कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसका रेसिप्रोकल भी सिंपल क्यूबिक होगा तो डेफ़िनेटली अगर स्केयर लेटिस है तो उसका रेसिप्रोकल भी स्केयर होगा लेकिन फ़र्क क्या है कि जो साइड्स हैं रियल स्पेस में जो स्केयर लेटिस होगा उसकी अगर एक साइड ए है तो रेसिप्रोकल स्पेस में एक साइड की लेंथ होगी टू पाई ओवर ए ठीक है तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल स्पेसली और उसके स्केयर लेटेसिज हैं तो ये एक सबसे पहले आपका होगा जिस कोई एक पॉइंट जिसको आपने क्या कहा कहािजन कहा इस ओरिजन से नेक्स्ट जो पॉइंट है नियरेस्ट पॉइंट लेटेस्ट पॉइंट वो ये है और इधर से ये है इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी टू पाई ओवर ए रेसिप्रोकल में है ना तो टू पाई ओवर ए होगी आपने इस ओरिजिन से इसको नेक्स्ट पॉइंट को आपने लाइन से मिला लिया अब ये देखें ये जो ब्लैक लाइन है इसने इसको बिल्कुल सेंटर से ऐसे कट कर दिया तो इसी तरह आपने जो इस यहाँ से फिर अगला नियरेस्ट नेबर ये है फिर नियरेस्ट नेबर ये है फिर नियरेस्ट नेबर जो है वो ये है तो इस तरह से आपने इससे लाइन्स ड्रॉ की एक लाइन ऐसे आएगी ऐसे ऊपर जाएगी और ये ऐसे लाइन आएगी ठीक अब ये जो ये परपेंडिकुलर बाईसेक्टर इसका ये परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाई सेक्टर इस लाइन का ये परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाई सेक्टर इस लाइन का और ये परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाई सेक्टर इस लाइन का अब ये देखें यहाँ पे ये जो ये बन गया ये इसकी शक्ल क्या है ये भी एक स्केयर ही है यानी फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है स्केयर लेटिस का वो एक स्केयर ही है लेकिन इस स्केयर की कितनी अब किस पॉइंट पे कह सकते हैं कि अगर हम इसको कहें ज़ीरो यहां से लेकर यहां तक फुल लेंथ जो है वो कितनी है टू पाई ओवर ए तो किस पॉइंट पे ये बाइसे कट कर रहे हैं ये पॉइंट है पाई 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 ओवर 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 ए ए ए पॉइंट पे आपकी बाउंड्री है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की याद रखें कि पाई ओवर ए पॉइंट पे आपकी बाउंड्री है अगर आप ओरिजन इसको जीरो कह रहे हैं तो जाहिर है ये साइड जो है ये बाउंड्री होगी माइनस पाई ओवर ए के इसी तरह ऊपर वाली ये होगी प्लस पाई बाई ए और ये नीचे से यहाँ पे ये वैल्यू होगी माइनस पाई बाई ए तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहाँ पे एंड होता है ओरिजन से पाई बाई ए डिस्टेंस पे एंड हो जाता है फिर नेक्स्ट ब्रिलियन जोन कैसे बना हुआ है उसको देखें अब आपने पहले इस ओरिजन से जो बिल्कुल नियरेस्ट नेबर थे वो लिए अब उस उसके बाद वाले आ, मेंबर्स ले लें जैसे कि ये है ये लेटेस्ट पॉइंट ये ये लेटेस्ट पॉइंट फिर ये लेटेस्ट पॉइंट फिर ये लेटेस्ट पॉइंट अगेन इसका तरीका वही है ये जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ब्रिलियन जोन की इसमें फिर से आप ओरिजन से ये लाइनें ये एक लाइन ऐसे बनी ऐसे और फिर इस लाइन की परपेंडिक इसका परपेंडिकुलर बाईसेक्टर जो है वो ऐसे बना ये ये ठीक है तो ये इस तरह से जो आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लू फॉर्म में जो ब्लू आ, कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सेकंड ब्रिलियन जोन है ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन और सेकंड ब्रिलियन जोन का जो वॉल्यूम है वो देख लें पहला ब्रिलियन जोन अंदर है ये बाहर इनको मिला के बना हुआ है अच्छा अब सेकेंड ब्रिलियन जोन कहाँ इसकी बाउंड्री कितनी है इसकी बाउंड्री कहाँ तक जा रही है ये जा रही है पहला कहाँ पे ख़त्म हुआ पाई बाई ए पे। और दूसरा ब्रिलियन जोन जो है उसकी लेंथ आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इस पॉइंट तक देखें तो यहाँ इस पॉइंट को आप कह सकते हैं इट इज़ टू पाई बाई ए ए और ये नीचे वाला पॉइंट भी टू पाई बाई ए तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं तो पहला ब्रिलियन जोन पाई बाई ए पे तक जाएगा दूसरा टू पाई बाई ए तक और अगला थ्री पाई बाई ए तक और इस तरह से इसकी ब्रिलियन जोन की बाउंड्रीज चलती जाएंगी अ वेव हुज वेव वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टर्मिनेट्स ऑन एनी ऑफ द प्लेन्स विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डाइफ्रेक्शन अच्छा अब ब्रिलियन जोन इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर वेव वेक्टर आपने आपका जो वेव वेक्टर है अगर आ, वो उसकी लेंथ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होकर ब्रिलियन जोन की बाउंड्री तक एंड हो रही है यानी वो तमाम आ, वेव वेक्टर ब्रैग्स रिफ्लेक्टेड होंगे यानी ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगे जो के बाउंड्री तक एंड होंगे यानी बाउंड्री को ओरिजन से मिलाएंगे वो तमाम के वेक्टर्स जो हैं वो ब्रैग्स रिफ्लेक्टेड होंगे द फोरियर स्पेस ऑफ द क्रिस्टल इंटू फ्रेगमेंट्स इसमें क्या होता है कि ये जो प्लेन्स हैं वो उन्होंने क्या किया फोरियर स्पेस को टुकड़े कर दिए उनको फ्रेगमेंट्स में कर दिया द सेंट्रल स्केयर इज प्रव सेल ऑफ द रेसिप्रोकल लेटिस अब यहाँ पे भी आप फिगर देख रहे हैं ये जो सेल बना ये सेंट्रल सेल जो है ये रेसिप्रोकल स्पेस का प्रिमिटिव सेल भी है इट इज अग्नर साइज सेल ऑफ द रेसिप्रोकल लेटिस कॉल्ड फर्स्ट बिलियन जोन द फर्स्ट बिलियन जोन इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इंटायरली इनक्लोज बाय द प्लेन्स यानी ये प्लेन्स के दरमियान ये इससे ज़्यादा स्मॉल वॉल्यूम जो है वो एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं है कि आप इससे छोटा सेल जो है वो ब्रिलियन जोन से छोटा सेल जो है वो बना सके अब यहाँ पे देखें यहाँ पे एक रेसिप्रोकल स्पेस है रेसिप्रोकल स्पेस में ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन बना हुआ है और इसमें जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आ, एक वेक्टर के एक वेक्टर के प्राइम और ये जो है ये जी हुआ है ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि ये जो ज़ीरो से लेकर जी तक जी वैल्यू है और ये जो लेंथ है ये आपकी के को रिप्रेजेंट कर रही है ये थ्री डायमेंशन में अगर ये ये सारा जो है ये आप ड्रॉ कर लें अगर पूरा तो ये एक सफ़ीर बन जाएगा तो मतलब क्या हुआ कि G और K प्राइम के दरमियान का जो वेक्टर है G और K प्राइम के दरमियान का जो वेक्टर है K, वो वेक्टर अगर तो उसकी लेंथ इतनी है कि जितनी ब्रिलियन जोन की लेंथ है तो फिर ब्रैग्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पहले भी देखा कि टू पाई ओवर ए और फर्स्ट ब्रिलियन जोन की लेंथ कितनी है पाई ओवर ए बस ये चीज याद रखनी है आपने अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं विघ्नर साइट सेल क्या है स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रिमिटिव सेल विच कंसिस्ट ऑफ वन पॉइंट एंड ऑल द सराउंडिंग स्पेस क्लोजर टू इट देन टू एनी अदर पॉइंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ विग्नर सीट सेल इन द द फर्स्ट डिलीवर जोन इम्पॉर्टेंट फॉर डाइफ्रैक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिलियन जोन क्या है द ब्रिलियन जोन आर यूज टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द बैंड एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल ये ब्रिलियन जोनस जो होते हैं ये अलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल्स के अंदर जो अलेक्ट्रॉन हैं उनके जो एनर्जी में गैप्स आ जाते हैं या उनकी एनर्जी की वैल्यूज में जो गैप आते हैं बैंड गैप एनर्जी जो कहलाती है वो उसको डिस्क्राइब करने में ये ब्रिलियन जोन जो हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं द सेट ऑफ वेव्स दैट कैन बी डिफ्रेक्टेड बाय द क्रिस्टल द सेट ऑफ वेव्स दैट कैन बी डिफ्रेक्टेड बाय द क्रिस्टल ओनली वेव्स हुज वेव के कनेक्ट्स द दरिजिन टू द एज ऑफ ब्रिलियन जोन कैन बी डिफ्रेक्टेड यानी अगर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ब्रिलियन जोन है उसमें ड्रॉ होने वाले जितने के वेक्टर होंगे जितनी लेंथ के वो होंगे सिर्फ वही के वेक्टर जो हैं जो जो के वेक्टर उस ब्रिलियन जोन के ओरिजन को उसके एज से मिलाने मिलाएंगे वही के वेक्टर जो हैं उन वही रिफ्लेक्ट होंगे या वही डाइफ्रेक्ट होंगे और वही के वेक्टर जो हैं वो ब्रैग के लॉ को सेटिस्फाई करेंगे अब ये एक एम सी क्यू है इसको हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इफ अ रियल स्पेस वेक्टर हैज लेंथ अगर आपके रियल स्पेस का कोई वेक्टर है उसकी लेंथ एल है वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ करेस्पोंडिंग रेसिप्रोकल लेटेज वेक्टर ठीक है अगर रियल स्पेस में कोई वेक्टर जिसकी लेंथ एल है तो रेसिप्रोकल स्पेस में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमने पहले भी देखा रेसिप्रोकल क्या होता है इनवर्स या उलट तो फिर इसका आंसर क्या होगा 2 L होगा नहीं भी भी नहीं 1 over L भी नहीं आंसर क्या होगा ठीक है यानी अगर ये ये होता तो रेसिप्रोकल स्पेस में हो जाता टू पाई ओवर डी तो इस तरह से आपने इसका आंसर दिया विच ऑफ द फॉलिंग स्टेटमेंट व्रिलियन जोन फॉर अ पर्टिकुलर रेसिप्रोकल लेटेस आर करेक्ट इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं सबसे पहले तो है कि ब्रिलियन जोन के बारे में कि दे ऑल हैव द सेम एरिया वॉलीम यानी अगर आप ब्रिलियन जोनस को निकालेंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन का एरिया फिर उसमें से सेकेंड ब्रिलियन जोन को निकाल के उसका एरिया ले लें थर्ड ब्रिलियन जोन को निकाल के उसका एरिया ले लें तो आप ये देखेंगे कि सबका एरिया सेम है या सबका वॉलीम सेम है ठीक है तो वॉल्यूम uh, या एरिया उनका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता सेकेंड ब्रिलियन जोन की को आप फर्स्ट ब्रिलियन जोन फैला हुआ होता है जीरो से लेकर पाई बाई ए तक ठीक उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है पाई बाई ए सेकेंड ब्रिलियन जोन जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है वो फैला हुआ है टू पाई ओवर ए यानी सेकेंड ब्रिलियन जोन शुरू कहाँ से हो रहा है पाई बाई ए से और एंड कहाँ पे हो रहा है टू पाई बाई ए फ़र्क कितना हुआ पाई बाई ए का इसी तरह थर्ड ब्रिलियन जोन जो है वो टू पाई बाई ए से शुरू होगा और थ्री पाई बाई ए तक जाएगा तो अगेन अ, कितनी उसकी एक साइड की लेंथ हुई थ्री पाई बाई ए माइनस टू पाई बाई ए कितनी होगी अगेन इट इज़ पाई बाई ए तो हर ब्रिलियन जोन का एरिया या वॉल्यूम सेम होता है इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे यस दे ऑल हैव द सेम शेप क्या सबकी शेप सेम है नहीं ये शेप उनकी सेम नहीं है फर्स्ट बिलियन जोन सेकंड बिलियन जोन से डिफरेंट होता है सेकंड जो है थर्ड से डिफरेंट होता है तो उनकी शेप जो है वो सेम नहीं है इसलिए हम कह देंगे नो दे ऑल हैव द सेम सिमिट्री बिल्कुल सिमिट्री बिल्कुल सेम होती है जितना सिमेट्रिक जो है वो फर्स्ट बिलियन जोन होगा उतने ही टाइम्स सिमेट्रिक जो है वो सेकंड बिलियन जोन होगा